व्हाट्स एप एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट के पीवाई क्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम वेरी मच होपफुल आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा होगा यूनिट वन का अब ये पार्ट इसके बाद तीसरे पार्ट में बचे हुए तीन चैप्टर इंडियन इको के तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे रात को टेस्ट देना आज सुबह वन शॉट आ गया था मैक्रो आपकी कल ही प्रिपेयर थी कल हम धमाका मचा देंगे तो बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हो बस रोकना मत खुद को और चलते रहना चलिए लेट्स बिगेन

ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट ट्रू और फॉल्स क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ये सब होता है ऑब्वियसली ट्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से स्किल्स एड होंगी इतनी सारी टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट आएंगी सब कुछ इंप्रूव होगा लिखा हुआ है ट्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेज द स्किल एंड एक्सपर्टीज इन द इकोनमी डी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज आर देन यूज इन रिसर्च डेवलपमेंट विच लीड्स टू ग्रेटर लेवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अगला सवाल क्या है इन द ईयर डैश इंडियन गवर्नमेंट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन सिक्स टू फोरटीन ये देखो कितना एक्सेलेंट क्वेश्चन है इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन के लिए स्टेप्स लिए गए इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे ये है हमारा आर टी ई राइट टू एजुकेशन दो ये इसका आंसर बनेगा देखो इस तरीके की चीज़ें सी बी एस ई में आया हुआ क्वेश्चन है डायरेक्टली पूछ लेगा और बच्चे जो नहीं पढ़ के गए कन्फ्यूज हो जाएंगे दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हैं इसके बाद एजुकेशन कमीशन 1964 से 66 हैज रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ जी डी पी मस्ट बी स्पेंट ऑन एजुकेशन हाउ फार हैज बीन एबल टू अचीव द सेट गोल ये अभी तक भी पॉसिबल नहीं हो पाया है छः परसेंट जी डी पी का स्पेंड नहीं हो पाता चार परसेंट तक हम लोग पहुँचे हैं द गवर्नमेंट हेज फेल टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ स्पेंडिंग नियरली सिक्स परसेंट ऑफ जी डी पी ऑन एजुकेशन इज प्रेजली स्पेंडिंग फोर परसेंट एक्सप्लेन हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ फॉर एन इकॉनॉमी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो अगर इन्वेस्टमेंट करी जाए स्किल्स के ऊपर एजुकेशन के ऊपर अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करी जाए तो ऑब्वियसली जो हमारा देश है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी

इंडियन गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड भाई एजुकेशन पर खर्चा नहीं होगा तो किस चीज़ पर होगा कैसे उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जनरेट होंगे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा बोथ ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज सब अच्छे से यूटिलाइज होंगे वट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन साउथ आन इंडिया सवाल मेजर सोर्सेज आपको मैंने छः कराए हैं कोई भी दो आप लिख सकते हो यहाँ पे ठीक है वट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री अरे वाह एजुकेशनल अचीवमेंट के क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं भैया लर्न कर लेना इस टॉपिक को इंडिया इंडिकेटर्स बताने हैं एजुकेशन के नंबर एडल्ट लिटरेसी रेट नंबर टू यूथ लिटरेसी रेट नंबर थ्री प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट ये आप लोगों को ध्यान से करके जाने और इनकी डेफिनेशन एक एक लाइन में दो दो लाइन में कर लेना ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आ जाइए ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में फर्क बताओ देखो होता क्या है ह्यूमन सी है ह्यूमन को अगर आप एज अ रिसोर्स देख रहे हो यानी कि वो क्या प्रोडक्शन करेगा किस तरीके से देश के लिए कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल अगर आप एज अ रिसोर्स देख रहे हो ठीक है और उसी ह्यूमन को अगर आप एक ओवरऑल डेवलपमेंट के तरीके से देखो कि बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इकोनोमी के लिए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इस तरीके से देखो कि ह्यूमन को आप एक एंड देखो एंड का मतलब अपने आप में एक आत्मनिर्भर इंसान जो खुद के लिए ही एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने उसको हम क्या बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट तो होती बात ह्यूमन की ही है लेकिन अगर ह्यूमन को एज अ रिसोर्स ट्रीट कर रहे हो तो ह्यूमन कैपिटल बोलोगे एज अ अपने आप में एक एंड लेके चलोगे यहाँ पे हम मीन्स कंसिडर करते हैं यहाँ पे हम एंड कंसिडर करते हैं तो वहां पर आपके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट आएगा क्या आएगा ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑन द अदर हैंड ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल बींग ठीक है ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बींगस एज मीन्स एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डजेंट एनहेंस आउटपुट सीधी सीधी बातें रिसोर्स को मानते हैं हम ह्यूमन कैपिटल रिसोर्स मानता है ह्यूमन को तो अगर उस पर खर्चा होगा तो उसमें तरक्की होनी चाहिए हो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स आर एंड वो अपने आप में एक एंड है ह्यूमन वेलफेयर शुड भी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट्स ठीक है एजुकेशन को हम बहुत ज़रूरी इनपुट मानते हैं डेवलपमेंट के लिए कैसे क्योंकि एजुकेशन से अर्निंग कैपैसिटी बढ़ती है लोगों की अच्छा सोशल स्टेटस मिलता है इट इनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइस अच्छी चॉइस ले सकता है एक एजुकेटेड इंसान अपनी लाइफ में नॉलेज मिलती है ताकि वो सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को समझ पाए इट ऑल्सो स्टमुलेट्स इनोवेशन नए नए इनोवेशन आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप बेनिफिट्स ऑफ़ एजुकेशन यहाँ पर लिख सकते हो डिस्क दोर्स ऑफ ह्यूम कैपिटल फॉर्मेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है और एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है सीधा -सीधा sources आपको डिफाइन करने हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है चलो जी स्क्रीनशॉट लेना तो देखो ले सकते हो सबसे पहले अगर आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिखना है तो इस तरीके से देखो किस तरीके से आपको लिखना होगा एक बार समझ भी लो क्योंकि राइटिंग टेक्निक पे ही नंबर मिलते हैं कैसे लिखा सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स के अंदर सब पॉइंट्स देख रहे हो सबसे पहले हेल्थ एंड एडवर्सली द क्वालिटी ऑफ मैन सिक लेबर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज इज कम्पेयर टू अब फ्रॉम वर्क ऑब्वियसली अगर बीमार होगा तो वो काम पे नहीं आएगा ना तो नुकसान होगा देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर एक्सपेंडिचर साथ साथ है हमारे पास हेल्थ में सबसे पहले प्रिवेंटिट करे बीमारी से जैसे वैक्सीनेशन क्यूरेटिव जो आपको क्योर करने में हेल्प करे पैरासिटामोल सोशल मेडिसिन यानी अवेयरनेस स्प्रेड करना उसके बाद प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वॉटर गुड सैनिटेशन ये सब इसी का पार्ट बनता है माइग्रेशन घूमने पर खर्चा करेंगे लोग बाहर जाएंगे तो बेनिफिट होगा देर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड विद इन एवरेज एजुकेशन लेवल्स कॉमेंट इसका मतलब है कि जैसे जैसे एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है तो जो इनक्वालिटी है उसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ गया यानी कम हो रही है यानी एजुकेशन बढ़ रही है इनइक्वालिटी कम हो रही है तो क्या ये सही है बिल्कुल सही है इनवर्स रिलेशनशिप होता है ज्यादा एजुकेशन कम इन इक्वालिटी The given statement is correct, labour skill of an educated person is more than that of an uneducated person, which enables him to generate more income than an uneducated person. Higher income earning capacity and greater acceptability raise the standard and quality of living. As a result, the gap between rich and the poor is narrowing, narrow down so rise in average education level reduces the inequality. ब्रिंग आउट द नीड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर अ पर्सन ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है उसकी इम्पॉर्टेंस को यहाँ पर दर्शाना है कि इन कारण की वजह से ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक सोर्स भी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में और इम्पॉर्टेंट भी है सर क्या क्या रीजन है इट हैज द एडवाटेज दैट इट कैन बी प्रोवाइडेड फास्ट एंड विदाउट मच कॉस्ट काम करते करते सीखता है इंसान एक तो क्विक होता है और कम खर्चे में हो जाता है इट इंक्रीजेस स्किल एंड एफिशियंसी ऑफ वर्कर्स जैसे

मेन प्रॉब्लम्स क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स सारी आप जानते ही हो इनसफिशेंट रिसोर्स हैं इनफिशेंसीज हैं ब्रेन ड्रेन लोग बाहर चले आते हैं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो रिसोर्सेज सब जगह नहीं पहुँच रहे इम्बैलेंस है काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग नहीं हुई हुई ये सब मैंने आपको चैप्टर में समझाए हुए हैं तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से देख रहे हो इसी तरीके के सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर सोर्सेज से आ रहे हैं एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है अब हम आगे चलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टवर्ड रूरल डेवलपमेंट अब शुरू करते हैं हम लोग रूरल डेवलपमेंट को और रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेंशन वन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसे आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है इस पर क्वेश्चन पक्का बनेगा तो ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी वैसे तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं कल बताऊंगा जैसे फिजिकल एजुकेशन में बताए थे और टाइमली बता दूंगा क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों ने बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मिस कर दिए उन्होंने बाद में मुझे बताया सर हम तो देख ही नहीं पाए हमारे पाँच पाँच नंबर के दो क्वेश्चन छूट गए जो आपने सीधे सीधे बताए थे चलो कल थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा बट ये होता है ना कि सारी चीज़ें एनालाइज करके देख के बच्चों के लिए एक गेस्ट करना पड़ता है चलो हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एक एडवांटेज लिखना है आप लिख सकते हो सीधा सीधा इट ऑफर्स अ मीनस टू सब्सटीट्यूट कॉस्टली एग्रीकल्चर इनपुट की जरूरत नहीं है हेल्दी फूड होता है केमिकल्स का यूज नहीं होता ग्रोइंग ट्रेंड्स के अंदर है ये स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स Groups, इसको हम micro credits भी बोलते हैं सेल्फ हेल्प अ माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप किसका एग्जाम्पल है micro credit organization. Micro credit का मतलब एक छोटी सी उधार देने वाली ऑर्गेनाइजेशन इसमें बेसिकली मेंबर्स ही होते हैं जो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं फिर जिसको जरूरत होती है उसको हम लोन दे देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन्वॉल्व वेरियस हेल्प Each other. They offered loan to members with utmost need of the credit. State the meaning of White Revolution, beta tino Revolution. White, Golden, Green. Most important for your exam in इने bilkul bhi mat chhodna White Revolution, Golden Revolution, Green Revolution. इनकी dates, इनके अंदर major role किसने play करा था और इनके बारे में explanation. At least तीन से चार points रट लेना. पक्का आएगा. White Revolution को Operation Flood भी बोलते हैं. इट इज़ अ सिस्टम इन विच ऑल द फार्मर्स पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बेसिस एंड द सेम इज प्रोसेस ये बेसिकली गुजरात में शुरू हुआ था नाइनटीन नाइनटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवाटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या नहीं होता चीप इनपुट होते हैं ऑब्वियसली एट्रेक्टिव रिटर्न होते हैं ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर इम्पोर्ट इम्पोर्ट वगैरह कुछ नहीं है हाई न्यूट्रिशन वैल्यू या सी आएगा इसमें स्टेट द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मैंने आपको बताया था जी पी जी पी एस एस पूरा लिख देना

एनिमल्स वगैरह जो यूज होते हैं उनको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं लाइफ स्टॉक इज कॉमनली डिफाइंड एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज इन एग्रीकल्चर जैसे कि हमारे पास मीट एग्स मिल्क फर लेदर वूल के लिए एनिमल्स यूज होते हैं ना सब लाइफ स्टॉक है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्या नहीं आता ट्रांसपोर्टेशन आता है ग्रेडिंग आता है स्टोरेज आता है क्रेडिट नहीं आता ये नहीं आएगा डी पार्ट इसका आंसर आएगा रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम अब देखो मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक्स में ना मोस्ट ऑफ द टाइम आपको केस स्टडी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी सर क्या बोल रहे हो हाँ हाँ मतलब आप देखना आपने अगर बहुत सारे सैंपल पेपर्स भी करे होंगे तो केस स्टडी में पैराग्राफ लिखा होता है और जब आप नीचे क्वेश्चन पढ़ते हो ना वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होता है तो केस स्टडी पे टाइम खराब करने से पहले ना क्वेश्चन देख लेना आपको डायरेक्टली क्या पता आंसर पता हो ठीक है देखते हैं चलो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है अनसर्टनिटी ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स इज मेजरली कॉज बाय लॉजिक आप ही बता दो जो अनसर्टनिटी है फार्मर्स की इनकम में वो क्यों थी क्या इर रेनफॉल की वजह से थी या अन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स की वजह से थी इसका सीधा सीधा आंसर है यार इर रेनफॉल क्योंकि हमारा फार्मिंग वॉज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल रेनफॉल अच्छा हुआ तो पैसा भी बढ़िया कमाएंगे रेनफॉल खराब हुआ तो पैसा भी खराब कमाएंगे तो इसका आंसर सीधा पता है यार मैं इतना बड़ा क्यों पढ़ू ठीक है मिस्ट आर्ग्यू दैट डेट वेवर डेट वेवर का मतलब होता है डेट खत्म कर देना कर्जा खत्म कर देना आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल टू द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर उनको काफी फायदा देगा एज दी स्कीम्स रिड्यूस दर्डन ऑफ किस चीज का बर्डन कम करेंगे अगर कर्जा हटाओगे तो किस चीज का बर्डन कम होगा कर्जे का इन डेटनेस या फिर पर्सनल एक्सपेंडिचर ये नहीं इन डेटनेस अब तुम्हारा मन कर जाए तो तुम लोग इसको पढ़ लेना यार लो मैं दे रहा हूँ सब कर्जे के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं बट इकोनॉमिक्स में ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट नाइन्टी परसेंट में तुम्हें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा क्योंकि तुम सब पढ़ के जा रहे हो यार टेंशन क्यों लेते हो डिस्कस एनी टू स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन डायरेक्शन फॉर इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम एग्रीकल्चल मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने क्या करा है कोई भी दो स्टेप लिखने हैं हमने बहुत सारे पढ़े हैं याद करो डिस्सेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करना मार्केट्स बनाना प्रॉपर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी एमएसपी कोई भी दो लिखने हैं रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज असेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट द आंसर इज यस हंड्रेड परसेंट एग्री क्योंकि रूरल एरियाज में ज़्यादातर एग्रीकल्चर हो रहा है तो इसका डेवलपमेंट होगा तो अपने आप ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा क्या लिखा है रूरल डेवलपमेंट

प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि रूरल इनकम बढ़ सकती है नॉन फार्म एक्टिविटीज से भी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जो अदर देन एग्रीकल्चर है एक्सप्लेन हाउ नॉन फार्म एक्टिविटीज कैन लीड टू राइज इन इनकम ऑफ द पीपल नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट लाइक एग्रो प्रोसेसिंग आई टी कॉटेज इंडस्ट्री एटसेट्रा प्रिवेंट पॉपुलेशन फ्रॉम इनस्टेबिलिटी इन इनकम क्योंकि देखो ये सीजनल नहीं है एग्रीकल्चर सीजनल है और इससे काफ़ी बेनिफिट होता है अनस्टेबिलिटी खत्म हो जाती है एक जो Uh, वो है ना कि पता नहीं इनकम होगी या नहीं होगी डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल वो खत्म हो जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट रूरल क्रेडिट वाला चैलेंज मुझे लगता है इस क्वेश्चन से यहां से कुछ ना कुछ बनना चाहिए इन एग्रीकल्चर ड्यू टू लॉन्ग टाइम बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम क्या बोलते हैं इसको हम बीज बोने से लेके फसल आ, फसल से पैसा निकालने के बीच का जो टाइम पीरियड आता है या बीज बोने से लेके फसल काटने तक के बीच का जो टाइम पीरियड आता है उसको क्या बोलते हैं सोचो सोचो जेस्टेशन ठीक है काफी लंबा समय होता है फार्मर्स आर इन स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्रेडिट पैसे की जरूरत पड़ती है फार्मर्स को पैसा क्यों चाहिए होता है सीड्स के लिए फर्टिलाइजर्स के लिए इम्प्लीमेंट्स के लिए घर के खर्चे मैरिज डेथ रिलीजियस सेरेमनीज एट्सट्रा सो क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इसीलिए एक अच्छा सिस्टम हमें चाहिए एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया सवाल माइक्रो क्रेडिट का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं छोटे छोटे लोग जब मिल एक सोसाइटी सॉर्ट ऑफ बना लेते हैं और फिर जिसको पैसे की जरूरत होती है उसको लोन देते हैं ठीक है क्या लिखा है माइक्रो क्रेडिट और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज एमर्ड एज द मेजर माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इन द कंट्री इन रिसेंट ईयर इससे क्या हो रहा है देयर फोकस लार्जली ऑन दोज रूरल पुअर

बाय गवर्नमेंट इन डेवलपिंग रूरल मार्केट्स रूरल मार्केट को डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या करा है रेगुलेटेड मार्केट्स रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं प्रॉपर ताकि सेलर्स और ब्रोकर किसी तरीके की माल प्रैक्टिस ना कर पाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया है जैसे रोड रेलवे वेयरहाउस गोडाउंस कोल्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग यूनिट सरकार ने बना के दी हैं कॉपरेटिव मार्किटिंग को काफ़ी फोकस करा है ताकि बारगेनिंग अच्छी हो सके फार्मर की और अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई हैं इसके बाद वी हैव मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी बफर स्टॉक हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया सब इसमें लिखना है वाई इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है देखो नंबर वन एग्रीकल्चर में रिस्क है रिस्क कैसा है वही अनसर्टेनिटी का डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल है उसके बाद भी बहुत सारे मार्केट रिस्क भी जुड़े होते हैं तो इसलिए सस्टेनेबल लिवलीहुड के लिए कुछ और फार्मर को अपनी खेती के साथ साथ एक साइड इनकम भी होनी चाहिए ना एक तो वो दूसरा टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल एंड टू देम टू ओवरकम पॉवर्टी पॉवर्टी दूर करने के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है क्रिटिकली द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम को समझाओ अब देखो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैज अ पॉजिटिव इंपैक्ट सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इसकी क्यों जरूरत है नंबर वन इनसफिशंसी है रूरल क्रेडिट जो है कंट्री में वो अभी भी इनसफिशेंट है पैसा अभी भी उतना नहीं है जितना चाहिए नंबर टू इडिकुएट कवरेज है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं बैंक्स हैं सोसाइटीज़ हैं ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे जहाँ तक जरूरत है तो इनका कवरेज सब जगह तक नहीं है इनएडिकुएट कवरेज है नंबर थ्री इन एडिकुएट अमाउंट ऑफ सैक्शन लोन पूरा पास ही नहीं करते हैं मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से समझाए हैं सारे पॉइंटर्स इसके बाद क्या क्वेश्चन आ रहा है वट यू मीन बाई एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ये हम कवर कर चुके हैं जी पी जी पी एस एस इसमें में पूरा लिख देना ऑल्टरनेटिव चैलेंजेस क्या हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के ये देखो ऑल्टरनेटिव चैलेंजेस में मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि फार्मर मार्केट <coughs> फार्मर मार्केट का मतलब मार, फार्मर्स ने अपनी अपनी मार्केट शुरू करी है जैसे अपनी मंडी पंजाब हरियाणा राजस्थान में पूना में आंध्र प्रदेश में ये बेटा ये चार नाम तो लर्न करना यह आपके मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं कहाँ पे क्या है अपनी मंडी कहाँ है उसके बाद हदसपर मंडी कहाँ है रायतू बाजार कहाँ है उजावर सैंडीज कहाँ है ये लर्न करना ठीक है उसके बाद एम के साथ बहुत सारे अलायस बना लिए तो उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है डिस्टिंगज बिटवीन गोल्डन रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन ये मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया ये राइस वीट पे वेजिटेबल फ्लावर्स फ्रूट्स पे इसको गोल्डन रेवोल्यूशन बोला गया इसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया सेल्फ सफिशंसी में काम आता है ये और वो मैंगो बनाना कोकोनट स्पीशीज में वर्ल्ड वाइड हम लेके जा रहे हैं लीडर बना रहा है इंडिया को ब्रिंग आउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनिमल हजबेंड्री फिशरीज एंड हॉर्टिकल्चर ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये आपको अपने नोट्स में से सीधा सीधा मैंने पढ़ाया है चैप्टर में आप याद कर सकते हो हॉर्टिकल्चर फिशरीज ये कवर होना चाहिए स्क्रीन लेना है ले लो ठीक है डन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आई वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी बोल रहा है आई टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्ट है आई टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने में कैसे आंसर लिखोगे तो हम क्या बोलेंगे देखो हम बोलेंगे आई टी हेज रेवल्यूशनराइज मेनी सेक्टर्स आई टी ने ज कराया है बहुत सारे सेक्टर्स को एजुकेशन में ही ले लो यार आप लोग पढ़ पा रहे हो आईटी की मदद से ना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ना अदरवाइज मैं अपने शहर में पढ़ा रहा होता तुम तो अपने शहर में पढ़ रहे होते इट इज वाइडली एक्सेप्टेड विल प्ले अ रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इक्कीस सेंचुरी थ्रू अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर टूल्स गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू प्रोडिक्ट एरियाज ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी सरकार को पता चला कौन से एरियाज हैं जहां पे ज्यादा जरूरत है खाने की ठीक है नंबर टू आई टी ऑल्सो सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन जानकारी स्प्रेड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो टेक्नोलॉजी की मदद से एप्लीकेशन से प्राइस वेदर सॉइल कंडीशंस के बारे में आईटी सेक्टर इज आल्सो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द बैकवर्ड एरियाज़ बैकवर्ड एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट भी लेके आ रहा है ठीक है या नहीं है जैसे आप इसके साथ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो पी इंटरनेट स्कैनर के साथ शुरू करके आप काफ़ी कुछ कमा सकते हो उसके बाद क्या होता है हमारे पास इट एम्स टू मेक एवरी विलेज अ नॉलेज सेंटर वेयर इट अ सस्टेनेबल ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड मकसद क्या है कि हर विलेज एक नॉलेज सेंटर हो हर बच्चा एक नॉलेज सेंटर हो हमारे देश में हर इंडिविजुअल हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ग्रो करे उसके अंदर आईटी का बहुत कंट्रीब्यूशन रहने वाला है तो ये क्वेश्चन एक जनरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है आप अपने हिसाब से इसके आंसर लिख सकते हो जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखने हैं ओके okay. This is done and sorted. हमारे दो चैप्टर और हो गए बेटा जी आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे शाम वाले सात बजे वाले पीवाई क्यूज को भी जरूर करना और आपका पूरा इंडिया निको के क्वेश्चन आपके माइंड से निकल जाएंगे और मजा आ जाएगा कॉन्फिडेंस भी आता है प्रिपरेशन भी अच्छी होती है मिलता हूं सात बजे ऑल द वेरी बेस्ट